में एक बार फिर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने सुरक्षा के काफी इंतजाम किए हैं। इस बीच असुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, जिसमें बीते महीने नूह में हुए हिंसा के लिए वो हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मरवाने वाले टीचर वाले कांड पर भी ओवैसी ने बयान दिया है। घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए, जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है? कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हुकूमत देख रही है। और अफसोस ये है कि जिन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जो धूप में बारिश में बेघर हो चुके हैं, ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनमें जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। आपने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है? ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का। लोग गए हैं ना कोर्ट को, देखिए नए कोर्ट लोग गए हैं, जिम्मेदार लोग कोर्ट को गए हैं, हम देख रहे हैं कोर्ट क्या फैसला लेगा, देखेंगे। सर, मुजफ्फरनगर वाले मामले में टीचर ने आगे आकर कहा कि वो किसी भी तरीके का नहीं है। टीचर हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका जो जहर उन्होंने पैदा किया मासूम बच्चों के जरिए, क्योंकि वो एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और एक बड़ी कास्ट को बिलोंग करती हैं, और वहाँ पर मुसलमान कम तादाद में है, तो इसलिए उनका ये जो बयान है वो उनके कम्युनल बिहेवियर की का एक अकासी करता है। वो बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो, वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा और मारो, और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि आप टीचर हैं और पेरेंट्स आपके भरोसे पर बच्चों को भिजाते हैं, और आप वहां पर बैठकर उन मासूम बच्चों को हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा उस टीचर को? उन पर सेक्शन 75 जूनियर जस्टिस का क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और ये क्या तमाशा है, वहाँ पर वो मासूम बच्चे को लाकर उन बच्चों से गले मिला रहे हैं, और आज मैं देखा कि वो बच्चा कह रहा है कि रातों में नींद नहीं आ रही मुझे। आप मासूम बच्चों के मेमोरीज को बर्बाद कर रहे हैं। 7 साल के बच्चों को आप सिखाते हैं नफरत, हिंदू मुसलमान ये सब नफरत, आप टीचर रहकर, और आपको जरा भी उसका वो एहसास नहीं है, बजाय इसके कि आप चुल्लू पर पानी में डूब मरते कि आप टीचर रहकर आपने सर हरकत की, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है। अगर वहां पर नरेंद्र मोदी के कोई स्टैचू को जला देगा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोस्टर को फाड़ देगा तो पुलिस क्या करेगी, बताइए हमको।